नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद अपनी लव लाइफ के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते की डोर कमजोर पड़ गई। इसके बाद फिर कभी रतन टाटा ने शादी के बारे में नहीं सोचा। आइए रतन टाटा की लव लाइफ के बारे में आपको बताते हैं। दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बेहतर मुकाम भी हासिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। बिजनेसमैन की दुनिया में रतन टाटा ने खूब नाम कमाया, लेकिन प्यार के मामले में वह फेल हो गए। एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में अनमैरिड उद्योगपति रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में बताते हुए खुलासा किया कि उनको प्यार हुआ था, लेकिन वह अपनी मोहब्बत को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। टाटा ने कहा कि दूर की सोचते हुए उन्हें लगता है कि अनमैरिड रहना उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति काफी जटिल होती। उन्होंने कहा, अगर आप पूछे कि क्या मैंने कभी दिल लगाया था, तो आपको बता दूं कि मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ और हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था, और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं वापस भारत आ गया। रतन टाटा की प्रेमिका भारत किसी और से शादी कर ली। यह पूछे जाने पर कि जिनसे उन्हें प्यार हुआ था क्या वे अब भी शहर में है, उन्होंने हाँ में जवाब दिया, लेकिन इस मामले में आगे बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए और इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।